उज्जैन में महाकाल लोकार्पण समारोह में भाग लेने से पहले प्रख्यात सूफी गायक कैलाश खेर इंदौर पहुंचे। इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कैलाश खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए कैलाश खेर ने बताया कि लोकार्पण आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वह सवा माह में तैयार किए गए 108 संगीत वादक और 21 दिन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के लोगों के सहयोग से बाबा महाकाल के लिए गाए गाने का भी विमोचन करेंगे। यह गाने खासकर महाकाल की नगरी और महाकाल लोक पर आधारित है। गायक कैलाश खेर ने इस दौरान धर्म और आध्यात्म को बढ़ावा देने की बात कहते हुए गायों को गोद लेने की भी बात कही। सूफी गायक कैलाश खेर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीच बीच में कई बेहतरीन शायरियों के माध्यम से अपनी बात रखी। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे, क्षिप्रा के तट पर अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सागरी, माँ हर सिद्ध पीठ कालिका विराजे शिव शिव जापे, आठ पहर 64 घड़ी आचक शीश निवाते, यक्ष दक्ष करें भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन, बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग अग्रान घिड़नक तकनक तुम तिटकत गदि गंधा, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल। ये गाना जय श्री महाकाल, महाकाल स्तुति गीत, कल इसका विमोचन होगा प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्जैन की पावन थली पर, और श्री महाकाल लोक का भी लोकार्पण कल प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे सज्जनों, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे विश्ववासियों, कल से ये गाना सजीव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। कल सुबह से ही आपको हमारे YouTube पर भी मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट प्रशासन के पेज पर भी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वेबसाइट पर भी, हर जगह जहां जहां उपलब्ध होना चाहिए वहां ये वीडियो भी उपलब्ध होगा, और सारे विश्व के डिजिटल स्टोर्स पर गाना भी उपलब्ध है कल से। तो ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, मनुष्यों, संगीत प्रेमियों, प्लीज़ गाना जहाँ फ्री में मिले फ्री में सुन लो, जहाँ थोड़े बहुत पैसे लग जाएं अगर वहाँ भी आपका दिल करे कि चलो संगीत पर भी थोड़ा पैसा खर्च कर ही डालते हैं, तो उससे संगीत और कला इन दोनों का पल्लवन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। तो कृपया आप सभी से ये अनुरोध है कि कल से अपने सारे सिस्टमों पर जुड़ जाइए और देखिए कल का लाइव इवेंट भी और ये गाना भी। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कैलाश खेर ने कहा कि पीएम मोदी के जीने का उद्देश्य भगवान के मंदिरों और धर्म स्थलों को बचाना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गाय और गाय को बचाना आवश्यक है, वक्त बदल रहा है, गायक संसद तक पहुंच रहे हैं। कैलाश खेर ने इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों का प्रभाव और इल्मों का प्रभाव इंदौर पर काफी दिख रहा है, इंदौर शहर में ट्रैफिक का भी सुधार हुआ है। देखिए भारत जो है अब जो है वो बदल रहा है, भारत की परिणति बदल रही है, भारत की स्थिति मनस्थिति सब बदल रही है। भारत का प्रति व्यक्ति के भीतर देखिए, बोलते तो सब आए हैं, सबके भीतर भगवान है जी, लेकिन रियलाइज नहीं कर रहा था कोई। अब ये एहसास ये अनुभूति में डाल दिया है मेरे ईश्वर ने, मेरी प्रकृति ने, मेरी शक्ति माँ ने, और अब सबको पता लग गया है कि हाँ यदि हम भारत के हैं तो हमें उत्तरदायित्व निभाने, हमें जिम्मेदारी निभानी। जिम्मेदारी कैसे प्रारंभ होती है? जिम्मेदारी आप ऐसे प्रारंभ होती है, पहले आप अपना स्वयं का ध्यान रखें, ये पहली शर्त है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए, भले आप अंग्रेजी में कहते फिरे टेक केयर या प्लीज टेक केयर, ये कहने की बात है। असली में यदि आप मनन करें तो भारत जाग रहा है, मेरे भारतवासी जाग रहे हैं, इस ये बहुत बड़ा बदलाव है महेंद्र जी। तत्पश्चात कभी आपने दुनिया में कभी सुना था कि मंदिरों का भी कोई जीर्णोद्धार करने के लिए पैदा होगा, कभी कोई ध्यान दिया हो? हमारे यहाँ तो गुरुकुल भी थे, धीरे धीरे बंद पड़ गए,
हमारे यहाँ तो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो ही बंद पड़ गई, धीरे धीरे कॉन्वेंट खोलने में लगे हैं सब। सब गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, आई एम नाइस, नाइस टू मीट यू, आई एम फाइन, ये चल रहा और सब मशीन मशीन खेल रहे हैं। लेकिन कुछ जगहें अब ऐसी हैं जो जाग गई हैं, और जो जागता है वही जगा सकता है, जो जुड़ता है वही जोड़ सकता है। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि मेरा भारत अब जाग रहा है, अब सिर्फ पैसे के पीछे भाग नहीं रहा प्रति व्यक्ति। अब देखिए मनुष्य अपने अपने स्तर पर, अब ऐसे ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिलते हैं जिनके बारे में जानकारियां मिली तो हैरान हो गया मन कि 30 साल से ये पेड़ ही लगा रहे थे, कई जंगलों में ही रहते थे, और इन्होंने इतनी मैनग्रोव खड़ा कर दिया, इनको कुछ पता ही नहीं था कि धरती पर पद्मश्री नाम की कोई चीज होती है क्या। लेकिन ये अपना काम कर रहे थे, इनका काम ही पद्मश्री था। तो अब ये जो ढूंढ रहा है मनुष्य, अब ये जो इस तरह की तलाश रहा है, ये हम ही में है सब। एक सवाल के जवाब में कैलाश खेर ने अपने जीवन के बारे में बताया कि वह 20 से 21 साल की उम्र में घर छोड़कर दूर चले गए थे। काफी संघर्ष के बाद मिली हार के बाद उन्होंने गंगा नदी में कूद कर जान देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। कैलाश खेर ने आगे बताया कि तकरीबन 30 से 31 साल की उम्र में वह मुंबई पहुंचे और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए महाकाल की भक्ति में तकरीबन 20 गाने महादेव पर लिखे, और उन्होंने कहा कि 20 गानों में एक भी विचार रिपीट नहीं हुए। शायद 20-21 रही होगी, क्योंकि हम कभी काउंट ऐसे करते नहीं है। फिर जब हम मुंबई आ गए तब लगभग हम 30 के हो गए होंगे, 1-2-3 का श्वेत होने लगा था। परंतु तब भी हमसे यदि कोई पूछता था, पढ़े लिखे अंग्रेजी टाइप के लोग हमसे पूछते थे, हाउ ओल्ड आर यू, यू वेरी स्मार्ट, यू टॉक सो ब्यूटीफुली, तो मैं उनको बोलता था मुझे लगता है मैं 3000 वर्ष का हूँ, तो डर जाता था। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा उसकी पनाहों में होता हूँ, और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। जब भी हम ऐसी बात करते थे कि मैं हो सकता है 2-3 हजार वर्ष का हूँ तो लोग डगमगा जाते थे, क्योंकि जनरली आपको आदत नहीं है। जब भी आप पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू तो आप अपने शरीर की आयु बताते हैं, और दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज कंडीशन। जैसे ही आप आउट ऑफ कंडीशन कुछ बात बताते हैं तो संसार को पचती नहीं, पीपल मेक यू नो रिडिक्यूलस, वो जजमेंट आपके ऊपर आएगा। दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, आपको रिडिक्यूल कर देंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कंडीशन दुनिया में हम अनकंडीशन जन्मे। अपनी पूरी प्रेस वार्ता में कैलाश खेर ने बाबा महाकाल की भक्ति का जिक्र करते हुए कहा और कहते रहे कि मैं महाकाल का बेटा हूँ। मुंबई और अपने घर के बारे में उन्होंने कहा कि 4 मंजिला घर उनका है, लेकिन टीवी भी उनके घर में नहीं है। उन्होंने कई फिल्मों के गाने गाए हैं, लेकिन आज भी वह उनकी ही गाई हुई फिल्मों को नहीं देख पाए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान बाहुबली फिल्म की तारीफ की और कहा कि वह फिल्म उन्होंने 10 बार देखी है। उन्होंने कहा कि जब किसी को फिल्म देखने को लेकर मैं सजेस्ट करता हूं, तो बाहुबली फिल्म के बारे में ही कहता हूं। राजनीति में आने के सवाल पर कैलाश खेर ने इच्छा जाहिर की, लेकिन गोलमोल जवाब दे दिया। फिर यह कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग पर वह एक शोध कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। कैलाश खेर ने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र करते हुए कहा कि इंदौर एक दिन पूरे देश को स्वच्छता को लेकर बहुत ही बड़ी प्रेरणा देगा। अपनी चिर परिचित शैली और अंदाज में कैलाश खेर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सूफियाना आवाज में कुछ गाने के बोल सुनाए तो सभी को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर कर दिया। नाथ संप्रदाय के कलाकार हमने बुलाए। होता क्या है, समाज दुनिया अब इतनी ज्यादा एक्सपोज्ड हो गई, इतनी ज्यादा एक्सपोजर, उनको इतनी ज्यादा विचार दिख गए हैं सब जगह से, कुछ भी अब एक्सक्लूसिव नहीं रहा, कुछ भी अब पर्दा नहीं है, कौतुक है ही नहीं पृथ्वी पर। ऐसे में आप क्या नया करें, जब मस्तिष्क में आप घुसेंगे तो आप जलेबी के ऊपर जलेबी ही बना सकते हैं। तो नया करने के लिए आपको हृदय में आना पड़ेगा। हृदय में आते ही परमात्मा आ जाते हैं। परमात्मा जब आ जाते हैं तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होती, दाता मुझे कुछ नया करना है, वो स्वयं ही नया देते हैं आपको। तो हुआ ये कि बैक टू बेसिक, जैसे भगवान गणेश जी ने
माता पिता के चक्कर काट लिए थे तो हो गए ब्रह्मांड के चक्कर। तो वही हमारा हृदय बोल पड़ा कि जो कम होता हो उसी में दम होता हो, तो जो कम होता है उसी में दम होता है, इसलिए उसकी तरफ मन हमारा मोड़ दिया। तो हमने नाथ संप्रदाय के कुछ सपेले बीन बजाने वाले बुलाए जो मंच पर बजाते हैं, गलियों में नहीं। तो वो जोगिया कपड़े पहनकर और बगल बच्चा अरविंद जी लेकर और वो नूड़ नूड़ के यानी झुक झुक कर बजाते हैं। तो उनका जो पोस्चर है वो भी आप देखेंगे तो लगता है जैसे उनके भीतर ही मेरे महादेव बस गए हैं और वो महादेव के ही अनुयायी हैं। तो वो बजा रहे हैं, उसके बाद हमने अगली लाइन परमात्मा बनकर ऐसे आए हैं।